हेलो दोस्तों, ये देखिए एक एंटी कोलिजन डिवाइस है, लेज़र एंटी कोलिजन डिवाइस जो क्रेन में है, कुछ भी मूविंग पार्ट में यूज़ किया जाता है कोलिजन से प्रिवेंट करने के लिए। ठीक है, तो इसका कनेक्शन कैसे होता है आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका कनेक्शन देखिए, पहले यहाँ पर लाइन न्यूट्रल रहता है, यहाँ पर हम लोग 230 वोल्ट देते हैं। ठीक है, और क्रेन में हम लोग यूज़ करते हैं क्योंकि दोनों क्रेन में टकराव ना हो। ठीक है, तो ये जो पी पॉइंट है ये हम लोग न्यूट्रल लाते हैं, पहले न्यूट्रल ला के ये पी पॉइंट में कनेक्ट करते हैं, ये वाला पी पॉइंट में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, फिर जो आउट होता है ये एनसी होके कॉन्टेक्टर का, जो रिवर्स फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, दोनों में लूपिंग करके उसका न्यूट्रल में जाता है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं 10, ये देखिए 10 मीटर का सेटिंग है। ठीक है, ये कहाँ पर है 10 मीटर का सेटिंग सेट करना पड़ता है, यहाँ पर सेट करना पड़ता है 10 मीटर। तो हम लोग जनरली 3 मीटर सेट करते हैं, तो जब 3 मीटर का डिस्टेंस में आ जाएगा तो क्या होगा, इसका जो एनसी पॉइंट है एनओ हो जाएगा, तो कॉन्टेक्टर ये एनसी पॉइंट कॉन्टेक्टर में जाता है, कॉन्टेक्टर न्यूट्रल हिसाब से जाता है, तो एनसी एनओ हो जाएगा तो न्यूट्रल कट जाएगा, तो कॉन्टेक्टर पिकअप नहीं होगा, तो हम लोगों का जो एलटी का मतलब लॉन्ग ट्रेवल का जो मोटर है वो बंद करवा देता है। तो बस इसका इतना ही काम है। थैंक यू।